हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं गणपति जी बनाने वाली हूँ, तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखा है प्लेट ताकि मेरी टेबल गंदा ना हो, एंड बेस के लिए मैंने यहाँ पे एक ढक्कन का यूज कर रही हूँ। अब मैं वॉल पुट्टी ले रही हूँ जिसका मैंने एक परफेक्ट डो बना लिया है। अब मैंने यहाँ पे बेस पर वॉल पुट्टी का थिक पेस्ट अप्लाई किया है ताकि हम वॉल पुट्टी से जो भी वर्क करें वो आसानी से चिपक जाए। तो मैं यहाँ पे गणपति जी के पैर बना रही हूँ। तो पहले मैंने इस टाइप का शेप रेडी किया है और इन सबको हम वाटर से स्मूथ करके ज्वाइन कर लेंगे। अब मैं अपने गणपति जी के लिए गोल मटोल सा पेट बना रही हूँ जिसके लिए मैंने ये राउंड शेप रेडी किया है और इसे भी मैं यहाँ पे पानी की हेल्प से चिपका ले रही हूँ। तो अब हमारे गणपति जी आगे पीछे दाएं बाएं से कुछ ऐसे दिख रहे हैं। तो अब वॉल पुट्टी का मैं ये पतला पतला रोल रेडी कर रही हूँ जिसे मैं यहाँ पे स्टिक करने वाली हूँ और इसे हम पीछे की ओर दबाते हुए फिक्स कर लेंगे और पानी से अच्छे से स्टिक कर लेंगे। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे ब्रश का यूज़ किया है। और वॉल पुट्टी का डो मैंने कैसे रेडी किया है इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। बाय द वे, मैं फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा ट्राई कर रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी आइडल नहीं बनाया है, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसकी फाइनल रिजल्ट के लिए। तो अब मैंने यहाँ पे गणपति जी के लिए चेस्ट बनाया है, तो जिसके लिए मैंने कुछ इस टाइप का शेप रेडी किया है। अब हमें इसे बहुत ही अच्छे से फिक्स करना है, बहुत ही हल्के हाथों से दबाते हुए हम इसे फिक्स करेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं वरना हमारा शेप खराब हो सकता है। तो अब बारी आती है हाथ जॉइंट करने की, तो जिसके लिए मैंने एक इस टाइप का शेप रेडी किया है और मैं यहाँ पे इंसेंस स्टिक से इसे फिक्स कर लूँगी ताकि हमारा हाथ निकले ना, हमारा नहीं हमारे गणपति जी का। तो अब मैं अपने हाथों से मोदक बना के गणपति जी को उनकी हाथों में दे दूंगी क्योंकि उनकी फेवरेट है, तो मोदक बनाना तो बनता है। तो अब मैं यहाँ पे कटर से फिंगर्स बना ले रही हूँ ताकि गणपति जी का हाथ लगना भी तो चाहिए। ये सब हो जाने के बाद हम वाटर से इसे स्मूथ कर लेंगे। तो चलिए अब बनाते हैं इनका दूसरा हाथ। तो सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे वॉल पुट्टी का पेस्ट अप्लाई किया है और फिर मैं इस टाइप का शेप बना ली हूँ और इसे भी मैं यहाँ पे इंसेंस स्टिक से फिक्स कर लूँगी। पर ये वाला हाथ होगा थोड़ा अलग। यहाँ पे मैं गणपति जी को आशीर्वाद देते हुए वाला हाथ रेडी कर रही हूँ और मैंने यहाँ भी इंसेंस स्टिक से इसे फिक्स किया है क्योंकि ये गिर जा रहा था बार बार। और नीचे मैं एक छोटा सा इरेजर फिक्स कर लूँगी ताकि ये हाथ बिल्कुल ऐसे ही रहे। तो ऊपर मैंने शोल्डर की और थोड़ा और वॉल पुट्टी मैंने अप्लाई कर लिया है और मैंने पतला सा रोल बना के गणपति जी को माला पहना दिया है और इसे भी हम वाटर से फिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे छोटा सा गणपति जी का पैर बना दिया जो कि आगे की ओर निकला हुआ है। यहाँ पे इंसेंस स्टिक को गर्दन में फिक्स कर लिया है ताकि हम हेड को अटैच कर सके। तो अब मैंने यहाँ पे गणपति जी का शूंड बना लिया है और एक मैंने राउंड शेप रेडी किया था उस पर मैंने इसे फिक्स कर लिया है पूरा। तो वाटर से मिलाते हुए हम सबको अच्छे से फिक्स कर लेंगे और जहाँ हमें वॉल पुट्टी की ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पे वॉल पुट्टी लगा के अच्छे से हेड बना लेंगे। तो मैंने इसे कम्प्लीटली ड्राई कर लिया है और ये ड्राई करने के बाद कुछ इस टाइप का दिख रहा है और हमारी गणपति जी की बॉडी भी कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी है। तो अब हेड में और वॉल पुट्टी लगा के हम इसे कम्प्लीट हेड बना लेंगे। ये मैं पहले भी बना सकती थी पर मैं जिस तरीके से कम्फर्टेबल थी मैंने उसी तरीके से बनाया है। अब मैंने यहाँ पे हेड को अटैच कर लिया है। अब मैं गणपति जी की कान भी बना लूंगी, तो हेड की ओर मिलाते हुए हम कान को भी फिक्स कर लेंगे। अब हमारे गणपति जी कुछ ऐसे दिख रहे हैं। अब हम करेंगे आगे का काम। तो अब मैं पहनाने वाली हूँ पगड़ी। इस तरीके से रोल बनाते हुए मैंने यहाँ पे पगड़ी बना लिया है और अब मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दे देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये पत्ती वाली शेप रेडी की है और मैं इसे मोर पंख बनाऊंगी। वॉल पुट्टी का मैंने ये छोटा छोटा बीट्स बना लिया है जिसे मैंने यहाँ पे नीचे बेस पे फिक्स किया है और इसी तरीके से हम पूरे में फिक्स कर लेंगे। तो सब कुछ हो जाने के बाद मैंने कर लिया है गणपति जी को कम्प्लीटली ड्राई। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने फाइनली गणपति जी का आइडल बना लिया है क्योंकि मैंने पहले बहुत सोचा कि मेरे से बनेगा नहीं पर मैंने बना लिया।
तो अब सैंड पेपर से करेंगे सैंडिंग। तो जितना भी अनइवन एरिया है उसको हम इवन कर लेंगे, और सैंडिंग हो जाने के बाद हम ब्रश या फिर वाटर से हम इसे क्लीन कर लेंगे। तो फाइनली अब बारी आती है पेंट करने की। बाय द वे मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एक्रिलिक कलर। तो बॉडी का जितना पार्ट था मैंने उसे पेंट कर लिया है, और पेंट मुझे बहुत ही ध्यान से करना पड़ा। अब रेड कलर से मैं गणपति जी के वस्त्र को पेंट कर लूंगी, और इतने ध्यान से पेंट करने के बावजूद भी पेंट इधर उधर लग जा रहा था। मुझे हर एक पार्ट बहुत ही ध्यान और बहुत ही आराम से करना पड़ा। तो मैंने यहाँ पे मोदक भी पेंट कर लिया है, पगड़ी भी पेंट कर लिया है, गोल्डन कलर से मैंने उनके ज्वेलरी को पेंट किया है, और इसे मैं थोड़ा मोर टाइप्स बना रही हूँ। तो अब बारी आती है सबसे कठिन डिटेलिंग्स की। तो मैं यहाँ पे अपने लाइनर वाली ब्रश यूज कर रही हूँ, क्योंकि इतनी फाइन ब्रश मेरे पास थी नहीं, पर मैं यहाँ पे लाइनर नहीं ब्लैक एक्रेलिक कलर यूज कर रही हूँ। सब डिटेलिंग्स तो मुझे और भी ज्यादा ध्यान से करना पड़ा। मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत स्टोन से इसे डेकोरेट कर लिया है, एंड हाथ पे मैंने स्वास्तिक बना लिया है। तो फाइनली हमारी क्यूट लिटिल गणेशा बिल्कुल रेडी है, एंड आई रियली कांट बिलीव कि मैंने इतना प्यारा गणपति जी बनाया है। मैंने फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा बनाया है, एंड आई रियली लव इट। तो आपको हमारे ये नन्हे मुन्ने प्यारे लिटिल गणेशा कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो इफ यू लव दिस वीडियो सो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। इस टाइप की मैं और भी अलग अलग वीडियो लाती रहूंगी, तो स्टे कनेक्ट विथ मी। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।